नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो एकेडमी। और यहाँ पे मुझे रियलमी X2 के अंदर सेकंड अपडेट देखने को मिल चुका है अभी। तो यहाँ पे इस अपडेट के अंदर आपको मार्च का सिक्योरिटी पेच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको माइनर चेंजेस किए गए और कुछ बग्स को यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके अपडेट में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका 0 to 100% फुल चार्जिंग टेस्ट करूंगा कि यहाँ पे रियलमी UI के अपडेट के बाद इसकी चार्जिंग स्पीड में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपडेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे रियलमी UI इंस्टॉल करने के बाद ये सबसे पहला अपडेट आ चुका है यहाँ पे रियलमी X2 के अंदर, जिसकी साइज़ आपको यहाँ पे 622 MB की देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगर इसके अपडेट लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्च का सिक्योरिटी पेच देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया है। इसके बाद चार्जिंग के दौरान यहाँ पे इसके परसेंटेज को ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पे आप जब पहले चार्ज करते थे तब आपको बैटरी का आइकन देखने को मिलता था, उसकी जगह यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज देखने को मिलेगा अब। इसके अलावा जो एनिमेशन आपको बैटरी के आइकन में देखने को मिलता था पहले, वो यहाँ पे चार्जिंग के आइकन में दिया गया है अभी। इसके बाद यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन इश्यू को फिक्स किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी कभी पावर बटन प्रेस करने पर भी गूगल असिस्टेंट वर्क नहीं करता था, तो उसे भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये तो हो गई अपडेट की बात। चलिए अब देखते हैं इसका चार्जिंग टेस्ट कि रियलमी UI के इस अपडेट के बाद यहाँ पे इसका चार्जिंग टेस्ट में क्या चेंजेस आया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल को हमने पूरा डिस्चार्ज कर दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसके चार्जिंग को हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्टॉपवॉच को भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चार्जिंग बिल्कुल आइडियल कंडीशन में किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसका बैक कवर लगा के ही रखा है, क्योंकि अगर आप मोबाइल चार्ज करेंगे तो बार बार इसका बैक कवर तो निकालेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पे इसके चार्जर की बात करें तो यहाँ पे हमने इसका ओरिजिनल चार्जर यूज़ किया है जो कि हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। और यहाँ पे इसका केबल भी हमने वही यूज़ किया है जो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अभी इसके अंदर जियो की सिम लगी हुई है और बाकी सारी कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे ऑफ कर दी है, जैसे कि मोबाइल डेटा, वाईफाई, GPS वगैरह वगैरह। और इसकी ब्राइटनेस को भी हमने यहाँ पे ऑटो पे सेट किया हुआ है और इसकी स्क्रीन हमने पूरे टेस्ट के दौरान ऑफ ही रखी है। सिर्फ आपको जब यहाँ पे परसेंटेज दिखाने के लिए स्क्रीन ऑन की गई है उतनी देर यहाँ पे स्क्रीन ऑन रही है। तो यहाँ पे हम हर 15 मिनट्स के बाद देखेंगे कि इसका चार्जिंग परसेंटेज यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अगर इसके चार्जिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 34% बैटरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे इसकी चार्जिंग 59% हो चुकी है। तो यहाँ पे 45 मिनट्स के बाद इसकी चार्जिंग 83% हो चुकी है। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद इसकी चार्जिंग 94% हो चुकी है।
तो यहाँ पे Realme X2 फुल चार्ज हो चुका है। और यहाँ पे फुल चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम लगा है वो है 1 आवर 12 मिनट्स का। तो यहाँ पे आपको Realme UI के इस अपडेट के बाद आपको यहाँ पे चार्जिंग स्पीड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं की गई है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।